साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हेलो और भैये क्या कर रहा है? कुछ ना भैये, बस पढ़ रहा हूँ। तुझे तो पता है मैथ का एग्जाम बचा। बस साले पढ़ने के अलावा कभी कुछ और भी करेगा क्या? और क्या करूं यार, पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैं कह रहा था आज पबजी खेलती है। अरे यार अभी तो पॉसिबल ना है, चल फिर भी आता हूँ मैं। जे वाला टॉपिक खत्म करके तब तक तुम एक मैच रौंद ले। चल ठीक है, जल्दी आइयो। दूसरी वालों को पढ़ना लिखना तो कुछ है ना, और फिर सारा दिन पबजी पबजी पबजी, और फिर एग्जाम में भाई जो वाला क्वेश्चन बता दे, भाई वो वाला क्वेश्चन बता दे। हाँ तो मैं कहाँ था? हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस वन। अबे यार प्लस वन हो गए या माइनस वन? अबे ये तो मैं भूल ही गया। बुक में देखता हूँ। जिस भी छात्र को कुछ भी डाउट हुआ और उसने बुक में या किताब में या नेट में देखने की जरूरत की, तो सारे को पंखे से उल्टा लटका के भूत बनूंगा सबका। अबे यार ऐसा कौन मास्टर करता है? सच में लेडी है ये तो, फोन लगा के पूछना पड़ेगा साले को। हेलो सर, नमस्ते। यार चंद हेलो का मतलब भी नमस्ते होता है। सर मेरा एक डाउट था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। बेटे डाउट ना फोन पे क्लियर नहीं होते, घर पे बैठ के आराम से क्लियर करते हैं। अरे सर इसके लिए भी क्या घर आऊं, ये तो एक हल्को सा सॉरी छोटा सा डाउट है। बेटे डाउट कभी छोटे नहीं होते, तो आराम से घर पर बैठकर चाय पानी पीकर सॉल्व करना चाहिए, इसलिए तुम मेरे घर आ जाओ आज शाम को, ठीक है? हद होती है मतलब। अरे आसू अब क्या फायदा गाली देने से, चल निकल ले। काहे पढ़ाए नीचे हमारी छोड़ी पढ़ गई समझे, और हमें तुम जैसे आजकल के लफंगों का कोई भरोसा ना है। ठीक है पढ़ना है तो पढ़ो, यहीं पढ़ो, अपने डाउट बताओ वरना चलते बनो। अरे डाउट वाउट तो कुछ ना था, बस एक चीज पूछनी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन हो गए या माइनस वन? यही दिन देखने के लिए पढ़ाया था मैंने तुम्हें इतना, कि तुम ऐसा फालतू क्वेश्चन मुझसे पूछो जो गली के आवारा कुत्तों को भी पता हो। सॉरी सर भूल गया था मैं। और ये तुम फोन पे भी तो पूछ सकते थे। फोन पे भूलने तक ना दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हो गए, वेयर वन इज पॉजिटिव। अरे हाँ सर याद आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो प्लस वन हो गए। थैंक यू सर। और कुछ डाउट तो ना है? नहीं सर अब मैं चलता हूँ। अरे कुछ चाय पानी पी जाओ। नहीं नहीं सर अब तो मैं चलता हूँ, वैसे भी रात हो गई, 8 बज चुके हैं। ठीक है सर आज्ञा दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना, लेकिन मैं तब तक मोदी जी के भाषण देख लूं, लाइव आने वाले हैं आज 8 बजे। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश में जहां भी है वहीं रहे। बेटा अब तो लॉकडाउन हो गया, अब कैसे जाएगा? वही तो सोच रहा हूँ लौड़े, कहीं यही ना फंस जाऊं किस दिन तक। पीजी को फोन कर लेता हूँ। हाँ यही सही है। हेलो शर्मा जी। अरे मार साहब मैं ये कह रहा था, आंसू गया था आपके वहाँ, अभी तक घर वापस नहीं आया। अरे अभी तो वो यहीं है, लॉकडाउन हो गया ना तो कैसे आएगा अब। अरे सर चला जाऊंगा मैं तो। नहीं नहीं मार साहब हम मत भेजना उसको, वरना पुलिस पिछवाड़ा सजा देगी उसका। हाँ ठीक है शर्मा जी, नहीं पहुँचा रहे उसको, यहीं रोक लेते अब तो। ठीक है
चलो अच्छा हुआ, वरना यहाँ आता तो 21 दिन तक पबजी मोबाइल और सोना। अरे शर्मा जी कैसी बात कर दी तुमने, यहाँ उसे वो सब बिल्कुल नसीब ही नहीं होगा, और होगा भी कैसे, पढ़ने से फुर्सत मिलेगी तब ना। अरे मार साहब जी धन्यवाद जी धन्यवाद। 24 घंटों में से बस 1 घंटे सोने को दूंगा और 23 घंटे सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई, सांस लेने तक को टाइम ना दूंगा उसको। चलो ठीक है मार साहब। वाह जी वाह क्या वक्त आया है, बीवी भी मायके, बेटा भी घर पर नहीं है, अब तो बस मैं और मिसेस शुक्ला जी आए हैं। मिसेस शुक्ला जी आज हम कब तक बुझ गए? बेटे अब तुम रुको यहीं 21 दिन तक, और काम बस एक ही होगा, पढ़ाई और बस पढ़ाई, समझे? लगता मुझसे ही बनवाएगा ये कोरोना की वैक्सीन। मेरे तो लग गए। हेलो भैया, अब तो जलवे कर रहा होगा लॉकडाउन में। जलवे तो सड़ी का छिंगा सड़ी के यहाँ फंस गया मैं लॉकडाउन में। क्या बेटा तेरे तो लग गए लोड़े। भाई प्लीज निकाल ले मुझे इस दरिया से, वरना पागल हो जाऊंगा मैं यहाँ 21 दिन तक, और साला मुझसे ही बनवा लेगा वैक्सीन कोरोना की। हट बे फोन रख तू, हिमो चिंगा मेरे भी लोड़े ना लगा दे। अरे भाई सुन तो, गुरु सब कुछ हार गया, कादा तेरे नाल प्यार प्यार, अब मन आसी मैं ते। साला 21 दिन हो गए, पूरे 21 घंटे सो पाया है पूरे 21 दिन में। अरे आज तो 14 अप्रैल है, मोदी बाबा लॉकडाउन खोलेंगे, ओ मजा आ गया, मैं घर जा सकूंगा और मुझे इनसे छुटकारा मिल जाएगा। जे हो निकल लो जल्दी यहाँ से। क्या हालत हो गई है मेरी 21 दिनों में, और जिस हालत देखो 21 दिन से यही पहना हूँ, पता होता तो 15-20 जोड़ी ले आता। बड़ी जोरदार खुशबू आ रही, कुछ ना चलो टीवी चालू कर लो, चल जाओ। देखो साहब रिमोट मेरे साले मास्टर पूरी सैलरी जुआ में उड़ाना जरूरी है, टीवी रिमोट भी ना ले सकता ढंग का, ये मज्जा है जा चालू। और जी टीवी देखो टीवी ला रही। ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। बेटे अब 19 दिन और करो, धुआं धन पढ़ाई, वो भी इसी कमरे में, बाहर निकलने की जरूरत ना कर लिए, अब कुंडी लगा ले अंदर से, अभी निकल रहा हूं मैं। आज तो 3 मई है, लॉकडाउन खुलेगा आगे 40 दिनों बाद, आज जा पाऊंगा मैं अपने घर। जल्दी से टीवी में खबर सुन लो अब तो, चलो। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा। जी हां इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन की मियाद को बढ़ा दिया गया है। बस
आगे पता है मुझे, चौथा दिन यही मलबान रहना पड़ेगा मुझे।